हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद पाल व्लॉग में। तो देखिए, शाम के ना 4 बज चुके हैं और इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले तो मैं कपड़ों की तय बनाऊंगी, उसके बाद चाय सबने पी लिया। आज चाय माँ ने बना दी थी जल्दी, क्योंकि यार उस बोल रहा था माँ 4 बज के चाय नहीं बनाते, 4 बज के चाय नहीं बनाते। तो जी हम लेटे हुए थे तब तक, तो माँ ने तब तक चाय बना के चाचा जी को दे दी थी और बच्चों को पिला दी थी। तो जी चलिए, सबसे पहले तो करूँगी कपड़ों की तय, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। आज ना थोड़ा गंदा कर रखा बच्चों ने, सारे को ना कागज काट काट के डाल रखे, और फिर कोई भी आ जाए अच्छा नहीं लगता। तो जी चलिए, सबसे पहले तो झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर लगाऊंगी, फिर करूँगी तय कपड़ों की, और उसके बाद चाय के बर्तन पड़े हैं। जब तक माँ सब्जी तैयार करेगी, माँ से पूछ लूँगी क्या बनेगा, और तब तक मैं बर्तन बर्तन साफ़ कर लूँगी। तो जी काम मेरा हो चुका है लगभग, झाड़ू का भी और कपड़ों का भी। इधर ना माँ सब्जी काट रही है, फली बननी है, तो मुझे पता नहीं लोबिया की है या सेम की फली है। माँ ने काटनी शुरू कर दिया है। तो जी जब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, रैक में लगा देती हूँ धुले हुए बर्तन, और बर्तन इकट्ठे करके साफ़ कर देती हूँ, फिर बनाएंगे खाना। और बर्तन साफ़ करके ही ना चूल्हे में जीना लगाऊंगी, यानी कि चूल्हे में जो है ईंधन लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी है और ईंधन सूखा हुआ है। मतलब 5 मिनट में ही ऐसे जल जाता है कि जैसे इसमें पेट्रोल या लकड़ी लगी हुई हो। तो जी सबसे पहले करूँगी बर्तन साफ। तो जी किचन में से मैंने चाय के सारे बर्तन उठा लिए हैं और बर्तन रैक में लगा दिए हैं सारे जो धुले हुए थे। तो चलिए अब मैंने बर्तन जो है तो जी जो चौंकी पे बर्तन इकट्ठे करे, अब पहले इन्हें साफ कर लेते हैं और उसके बाद चूल्हे में जीना लगाएंगे खाना बनाने के लिए। तो जी चाय के बर्तन मैंने साफ़ करके उधर से ना इधर रख दिया है, वहाँ चौंकी पे पानी डाल दिया है। उधर ना जो कनियर के फूल है वो गिरते रहते हैं और पत्ते, तो जी बर्तन गंदे हो जाते हैं और इस पेड़ पे ना ज़्यादा मक्खियाँ रहती है, तो यही वजह है कि बर्तन वहाँ से साथ के साथ उठा के इधर रख देते हैं। तो जी इधर ना चूल्हे, अब मैं चूल्हे में जो है इधर लगा देती हूँ, जीना लगा देती हूँ। इधर हमारा चूल्हे की ना एक बड़ा टूट गई, और हमसे चूल्हे बनाने नहीं आते, चूल्हे से माँ ही बना सकती है। तो जी जब माँ को आराम लगेगा ना, तो माँ ही से रिपेयर करेगी। वैसे तो माँ ने बना के रख रखा, लेकिन माँ बोल भी रही कि जो पटड़ी वाले चूल्हे हैं ऊपर, उनमें से एक उठा लो, और जब मैं इसे धीरे धीरे ठीक कर दूँ ना, तो हम इतना उस पर बना लेंगे रोटी। तो जी कल चाचा जी से बोलूँगी, ये ना आज ही टूटा इतना, वैसे थोड़ा बहुत ही हो रहा था, त्रेड़ तो आ रही थी इसमें मतलब कि, लेकिन इतनी आज अलग ही होगी है। चलिए लगा लेते हैं चूल्हे में जीना, क्योंकि इधर ना अंधेरा उतार रहा है, या तो धूप ही दिखा है या फिर बिल्कुल अंधेरा ही दिखा है। उससे मैं उठा लाई हूँ उपले, उठा के ले आई हूँ मैं इन्हें ना, थोड़ी देर धूप में रखना पड़ेगा। दूध हमारा पक चुका है, इधर सब्जी भी हमारी तैयार हो चुकी है सारी कट के। अब इसे छोक देते हैं, कढ़ाई अब रख देती हूँ चूल्हे पे। आप भी दिख रहे, सब चीज दिख रही, कढ़ाई भी दिख रही, चूल्हा भी दिख रहा है। तो जी कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें डाल देते हैं तेल। और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें डाल देते हैं जीरा। तो जी जीरा हमारा हो चुका है, इसमें डालते हैं हरी मिर्च और टमाटर। अब
अब इसमें डाल देते हैं मसाले, धनिया सौंफ पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी। और अभी से ना अच्छी तरह पका देते हैं। मसाले जो है हमारे पक चुके हैं, ये देखिए हमें धुंधला सा है। अब ठीक है, मसाले हमारे पक चुके हैं। अब डाल देते हैं इसमें पनीर, पहले ना इन्हें फ्राई कर लेना। मम्मी कभी धुंधला आ रहा कभी सफेद आ रहा, रोक ले। तो जी अब हमने इसमें डाल दिया फली, फली को हम अच्छी तरीके से ना फ्राई कर लेंगे, पका सी लेंगे। रोटी देखने ही बना दी थी, चलो बाहर की जला के। थोड़ी देर ना इन्हें पका लेते हैं, देखो कितना पानी छोड़ दिया फलियों ने, ताजी फली आती ना। तो जी इधर ना हमारी फली ये देखिए पक सी गई है, फ्राई सी हो गई है, और इन्होंने ना पानी छोड़ दिया है थोड़ा सा। अब इसमें डाल देती हूँ आलू। तो जी फली फ्राई होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है आलू। आलू की मात्रा थोड़ी ज़्यादा इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि बच्चे ना ये फली नहीं खाते, आलू छांट छांट के खा लेते हैं। और ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया हमारी फलियों ने, ताज़ी ताज़ी फली थी खेत से लाई हुई, बाजार में तो थोड़ी बासी भी रहती है, एक दो दिन पुरानी रहती है, लेकिन ये ना ताज़ी थी, भाई साहब ना बड़े वाले खेत से लाए थे। तो जी अब ना इन्हें ढक रहे, इन्हें ढक के रख देते हैं जब तक ये आलू हमारे गलेंगे, और तब तक मैं आटा बना लेती हूँ। तो जी सब्जी हमारी लगभग पककर तैयार हो चुकी है, और अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा हींग। इसे अच्छी तरीके से थोड़ी सी देर और पका लूँगी, और वैसे तो हमारी सब्ज़ी ना पक्के तैयार होगी। देखिए आलू भी बहुत अच्छी तरीके से गल गए, फली ना फलियों ने इतना पानी छोड़ दिया कि आलू भी में ना अच्छी तरीके से गल गए, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और ना ही ज़्यादा सूखी सूखी बनी है देखिए। और बच्चों की भी पसंद, पौष्टिक आहार। और जी खाने में तो देखो जी खाने वाले ही बताएंगे कैसी लग रही खाने में, नमक मिर्च सही है या नहीं है, जब तक भोग नहीं लगाते जब तक देख नहीं सकते। तो सबसे पहले खाना जी का भोग लगाएंगे, और इधर आटा मैंने बना कर रख दिया है, अब सेकूंगी रोटियां।